बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूं। मैं मुखातिब हूं हमारे जो कराची के रहने वाले बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, और वो सारे जो हमेशा से ईद कुर्बान पे सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, और सुपर हाईवे जो हमारी कैटल मंडी है, कराची की सबसे बड़ी ख़रीदारी वहाँ होती है, और उस मंडी में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा मवेशी लाया जाता है। तो मैं इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि देखें, जो हमारा किसान भाई है या जो हमारे व्यापारी भाई है, इस मंडी से उनका फ्यूचर जुड़ा है, इनकी पूरे साल की रोज़ी जुड़ी हुई है। और पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ, जिस दिन से मंडी सजाई गई है ना, प्री प्लान कोई वीडियोस आती हैं, लोग मंडी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और वहाँ पे कोई वारदात नहीं भी हुई होती तो उसका ज़िक्र कर दिया जाता। हमारे ग्रुपों में ये जिक्र जब चढ़ा तो मैंने सख्ती से उन्हें मना कर दिया, और ऐसे लोगों को ग्रुप से हमने डिलीट कर दिया। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि प्री प्लान मंडी जब नादरन बाईपास पे मुंतकिल हुई, तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिंध पुलिस, हमारी रेंजर्स यकीनन हमारी हिफाजत के लिए दिन रात कोशाएं, और स्पीड क्राइम जो बढ़ रहे हैं, वो यकीनन भूख बढ़ रही है, वतन अजीज की जो सूरत हाल है वो डकी चू, हर जगह स्पीड क्राइम्स है और छीना झपटी है। और मंडी में अगर एक वाकया उसके बाहर हो जाता है तो उसे उठा के नेशनल मीडिया भी हवा बना देता है, और सोशल मीडिया पे एक तूफान आ जाता है, और उसका नुकसान पहुंचता है मेरे किसान भाई को, जो उस मंडी में अपने पूरे साल की रोजी करने पंजाब से और अंदरून सिंध से और दीगर इलाकों से धक्के खाता हुआ आता है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा, नेशनल मीडिया से भी, मेरे तमाम क्राइम रिपोर्टर्स मेरे भाई जो हैं उनसे भी, और सोशल मीडिया पर इस किस्म की कंपेन चलाने वाले, ये आप मंडी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, या आप उस किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक तो पाकिस्तान रेंजर्स और सिंध पुलिस का भी मैं बड़ा ममनून हूं कि बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ाम आते हैं, कदम कदम पे पुलिस खड़ी है, कदम कदम पे रेंजर्स के नाके उन्होंने लगाए हैं कि हमारे लोग जो माल मवेशी लेने आए वो महफूज रहें, और यकीनन आने वाले दिनों में मज़ीद भी नफरी बढ़ेगी। और मैं SSP मलीर का और दीगर का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे इकदाम किए हैं, भैंस कॉलोनी और जहाँ जहाँ पे भी ये जैसे कि मंडी लग रही है सुपर हाईवे वाली, कि हमारे लोग महफूज रहे, वो उन लुटे ना। तो मैं अपील ये करूँगा कि जो लोग इस किस्म की कंपेन चला रहे हैं वो वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इस किस्म की कंपेन करने से खुदा के लिए बाज आ जाएँ, ये वतन अजीज़ का नुकसान है, ये किसान का नुकसान नहीं है, ये वतन अजीज़ का नुकसान है। आप मंडी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुँचता है वतन अजीज को। तो मैं आपसे मुद्दवाना दरख्वास्त करता हूं कि अपने किसान की मदद करें पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपका किसान दिन रात मेहनत करता है, सुबह दोपहर शाम वो आपके दस्तरखान को सजाता है, गर्मी सर्दी धूप बारिश हर किस्म के मसाइब को बर्दाश्त करके वो आपके दस्तरखान को सजाता है, और इस लाइव स्टॉक के जरिए सजाता है। तो दरख्वास्त है कि खुदा के लिए, खुदारा खुदारा हमारे किसान की मदद करें। जजाक अल्लाह।